फतुल्ला अग्रवाल सर, बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपकी वेब सीरीज़ कश्मीर अनाउंस हो गई और शूटिंग शुरू हो चुकी है कल से जी। और एक्टरों ने आज आपका बहुत साथ दिया, किसी ने रिवील नहीं किया कैरेक्टर के बारे में जी जी। तो इतनी क्या आपने उन पे जाती कर रखी है या कितना समझा रखा है कि वो लोग कुछ नहीं बता पाए? नहीं नहीं, समझाने कुछ नहीं रखा सर। क्या है हिमांशु जी कि वो लोग दे आर वेरी प्रोफेशनल, और ये जो कल शूट किया आज शूट किया, मैं तो बहुत मतलब अचंभित भी हुआ कि कश्मीरियत लैंग्वेज और कश्मीरियत जो टोन था वो उन्होंने पकड़ लिया जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो दे आर थोड़ा प्रोफेशनल, दैट्स व्हाई। इतने हमने सुना 3 साल आपने रिसर्च किया इस स्टोरी के लिए और उसके बाद 120 दिन शूट करने वाले हैं और साथ में 200 लोगों की यूनिट है, तो इतना बड़ा तामझाम, इतने सारे प्रोड्यूसर, कैसा लग रहा है, इतना इंतजाम हो रहा है एक साथ? जी ये जरूरी था जी, इस तरीके का काम करने के लिए जी। और कश्मीर पर काम करना है और 10 एपिसोड हैं 45 मिनट के, 4 सीजन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस तरीके की व्यवस्था तो लेके चलनी पड़ेगी। इतने बड़े 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 चैनल और पेपर मैगजीन्स में आप जुड़े रहे हैं जी, तो आज का माहौल जो देख रहे हैं आप मीडिया से रिलेटेड और जो फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज की नई नस्ल के बारे में? नई नस्ल तो बहुत प्रोग्रेसिव है सर और बहुत इवॉल्व हो गए हम। 1990 से देखिए 2020 तक 30 साल में पूरी दुनिया में बहुत इवोल्यूशन हुआ, और भविष्य हम लोगों का सबका बहुत उज्ज्वल है। मैं तो यही कहूँगा, क्रिटिसाइज करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं जी, और उससे कोई लाभ भी नहीं। मेरा एटीट्यूड लाइफ में यह है, क्रिटिसाइज से कुछ नहीं बेहतरी होती है, हम प्रशंसा अच्छी चीज़ों को आगे लेके चलें, उन्हीं पे अटेंशन रखें। और ये हमारा सारा शास्त्रों का भी निचोड़ ये है कि बुराई को मत देखिए, अच्छाई को देखिए। अच्छाई को देखेंगे तो अच्छे होंगे, अच्छी बातें आगे बढ़ेंगी, और बुराई को ही देखते रहेंगे तो मेरा मानना तो यह है कि बुराई पर चित्त रखने से कोई लाभ नहीं होता कभी भी। चित्त रखना है तो पॉजिटिविटी पर रखें। सही बात। जी और इतने सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ आपके एक प्रोजेक्ट में जी, जोड़ने पड़े सर, जुड़ गए अपने आप, अपने आप जुड़ गए। मैं आपको बताऊं, लेकिन अच्छा है, आपकी बहुत बहुत मुबारक हो इस प्रोजेक्ट के लिए। सब लोगों ने यहाँ पे जितनी मीडिया आई थी सबको बहुत कॉन्सेप्ट पसंद लगा और सबके दिल को छू लिया आपने आज। नहीं मैंने क्या छू लिया सर, नहीं इतने वक्त तक रुकते नहीं है जी, कश्मीर में क्या है कि तो दूर है जी, वो लोग इतने रुके सिर्फ क्योंकि आपका टाइटल और आपका जो विजन है जी, उससे बहुत कन्विंस हो गए सारे। नहीं वो भी हो गया सर, ये कश्मीर के लोग बहुत अलग लोग हैं, जो मैं 3-4 साल से बहुत ज़्यादा वैसे तो कश्मीर पहले भी आता रहा, लेकिन अभी 3-4 साल से जिस पर्पज़ को लेके मैं आ रहा था और जो मेरी निगाह थी, जो मेरा एंगल था यहाँ का समझने में, तो मैं समझा कि ये लोग तो बड़े अलग लोग हैं, बहुत डिविनिटी है यहाँ, बहुत अलग तरीके की जहनीत है इन लोगों की। तो ये ऐसे लोग समझ जाते हैं क्या, ये हम लोगों की ये कह सकते हैं शुरुआत में शायद आपको लगेगा छोटी हूँ बड़ी बात, लेकिन ये पहली सफलता हम लोगों की शायद हो सकती है कि वो लोगों ने ये दिखा दिया कि एक बड़ा काम कश्मीर में होने वाला है और उन्होंने अपना सहयोग इसमें दिखा दिया। लास्ट क्वेश्चन, आपने इतने अलग अलग सब्जेक्ट पे काम किया, आम्रपाली और द मुद्दू और भारत एक दर्शन, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट कहाँ से सोच रहे हैं सर? ये तो इसी समाज में रहते हैं, यहीं से निकलते हैं सब कुछ जी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। वेलकम।